11 सितंबर 2011 सुबह का समय था और हैदराबाद के आउटर रिंग रोड पर एक ब्रांड न्यू सुजुकी GSX-R 1000 काफी हाई स्पीड में चली जा रही थी। बाइक पर दो यंग लड़के सवार थे। राइडिंग सीट पर थे फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन के बेटे अयाजुद्दीन और पिलियन सीट पर थे उनके छोटे कजन अजमल। अर्ली संडे मॉर्निंग की वजह से सड़क ऑलमोस्ट खाली ही थी और 162 HP की मैसिव पावर आउटपुट वाली सुपर बाइक पर 19 साल के अयाजुद्दीन ने ऑलमोस्ट 200 km/h की स्पीड गेन कर ली। अनफॉर्चुनेटली इतनी हाई स्पीड में कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ और अयाजुद्दीन ने बाइक पर से कंट्रोल खो दिया। बाइक स्किड होकर सड़क पर बने डिवाइडर से टकरा गई और उस हाई इंटेंसिटी इम्पैक्ट से पिलियन सीट पर बैठे 16 साल के अजमल की इंस्टेंटली डेथ हो गई। बाइक चला रहे अयाजुद्दीन की बॉडी में भी मल्टीपल फ्रैक्चर्स हुए। किडनी, लंग्स और ब्रेन जैसे वाइटल इंटरनल ऑर्गन्स में सीरियस इंजरीज हुई। हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम ने अयाजुद्दीन की एक किडनी रिमूव कर दी क्योंकि उसमें काफी ज्यादा डैमेज हो चुका था जिससे इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी। एक्सीडेंट के 2 दिन बाद डॉक्टर्स ने सीरियस इंजरीज की वजह से अयाजुद्दीन के ब्रेन में मेजर डिस्फंक्शन डिटेक्ट किया और इसके 3 दिन बाद हॉस्पिटल में ही अयाजुद्दीन की डेथ हो गई। उस दिन रिंग रोड पर क्या हुआ था, एक्चुअल में किसकी गलती थी, इसके बारे में कुछ भी श्योरली नहीं कहा जा सकता है। पर इतना तो श्योर है कि अयाजुद्दीन ने बाइक को काफी हाई स्पीड में एक्सेलरेट किया था और जैसा कि हम सब जानते हैं, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। सुपर बाइक्स पर स्पीड राइडिंग को लेकर अक्सर कई लोगों का आर्ग्यूमेंट होता है कि ये बाइक स्पीड राइडिंग के लिए ही बनी है। पावरफुल इंजन और प्रीमियम कंपोनेंट्स के लिए ढेर सारे पैसे देकर हम इसे स्प्लेंडर की तरह क्यों चलाएं? लॉजिकली ये बात कुछ हद तक सही भी है, पर ज्यादा पावर के साथ ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। सुपर बाइक या फिर स्मॉल इंजन वाली हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट बाइक्स के पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने के लिए सेफ्टी गियर्स और प्रॉपर एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। आप पब्लिक रोड्स पर कोई भी हाई परफॉर्मेंस बाइक लेकर ओवर स्पीडिंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये आपके साथ साथ सड़क पर चल रहे दूसरे लोगों के लिए भी एक्सट्रीमली डेंजरस है। हाईवेज पर भी 80-90 की स्पीड से ऊपर जाना काफी रिस्की होता है क्योंकि मोर देन 100 km/h की स्पीड में किसी भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन से डील करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है क्योंकि सब कुछ इतनी जल्दी होता है कि राइडर के पास कुछ भी करने का समय ही नहीं बचता। इसीलिए ओवर स्पीडिंग अवॉइड करने में ही समझदारी है, वरना एक छोटी सी गलती आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल सकती है। हेलमेट और प्रॉपर सेफ्टी गियर्स पहनकर अपने आसपास के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग मॉडरेट स्पीड मेंटेन करके एक रिस्पॉन्सिबल राइडर बने। एंड ऑलवेज रिमेंबर, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स।